जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो 14 दिवस हमारे शासकीय जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहाँ ही बिताएं और उनको मूलभूत सुविधा पूरी सुविधा दी जाएगी, और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मिलने का प्रयास ना करें और घर वालों को जो है क्वारंटाइन सेंटर तक बुलाए भी मत। इससे वे अपने घर वालों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज की भी इससे सुरक्षा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर, मैं हूं राजकुमार यादव। क्वारंटाइन सेंटर बना श्रमिक युवक के लिए काल, जहरीले सांप के काटने से जमीन में सोए युवक की हुई मौत। 2 दिन पूर्व ही लौटे थे मुंगेली, लौटने के बाद एक ही दिन हुआ था क्वारंटाइन सेंटर में रहते हुए। क्या है पूरा मामला देखिए इस खबर में। आपको बता दें कि यह मामला मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत पथरिया किरणा की है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए मजदूरों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार जहां पर योगेश कुमार वर्मा नामक 34 वर्ष युवक स्कूल के बरामदे में सोया हुआ था, अचानक जहरीले सांप उसके बिस्तर के पास पहुंचा और फिर उसे काट लिया। काटने के बाद युवक दौड़ते हुए कमरे की ओर गया और आधे घंटे बाद किसी अपने साथी को बताया, मुझे सांप ने काट लिया। फिर आनंद फानंद में उस व्यक्ति ने सरपंच, फोन लगाकर गाड़ी इंतजाम किया गया। वो सोया था 4 बजे के बाद से ये सोया था, लेकिन अलटने कलटने के बाद गलती ना तब बोला सांप हचावे है, ओकर हाथ में धरेस ना तो ठंडा ठंडा लगी बोला, तब वो भागी सांप की के ओ भागी से, ओकर बाद में मैं भागे हूँ। ओका जो लड़का मन सब और सोरी से तेन मन सब जागी से, अब वो मतलब नहीं बताई कि मतलब सांप चाबीस देगी, और पत्नी बोली गला है कि तो सांप चाप देगा खून आम अच्छी करके, लेकिन वो बोल दी से कि मतलब नहीं चाबी है, ओकर वजह से मन सांप ला मारे हैं। आधा घंटा बाद मतलब पर्सनल अकेला बला के बताई से कि मतलब सांप चाप दे यार करके, तो मैं तुरंत सरपंच ला फोन करे हूँ, वो ऐसे मेरा ऐसे घर को लेके गाड़ी बिठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गई से मुंगेली जी जिला चिकित्सालय में ले गई से शायद। हाँ, सब चीज का सुविधा मिला थे, पहले जो समय आया था उस समय नहीं मिल रहा था सुविधा, और आज आज 2 दिन से पूरा सुविधा मिल रहा है। बाकी समय कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा, पहले नहीं मिल रहा। क्या क्या सुविधा नहीं मिल रहा था? सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, साबुन नहीं मिल रहा था, ऐसे कई सुविधा नहीं मिल रहा है, मगर 2 दिन से ना पूरा सुविधा मिल रहा है। सैनिटाइजर नहीं मिल रहा, अभी भी साबुन भी नहीं मिल रहा है। प्रारंभिक उपचार के बाद युवक को बिलासपुर सिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में जाते समय तखतपुर के बीच में युवक ने अंतिम अपनी सांसें ली। साथियों ने बताया कि मृतक युवक और उसकी पत्नी पुणे महाराष्ट्र कमाने खाने चले गए थे, जहां से 2 दिन पूर्व ही लौटे थे। मुंगेली लौटने के बाद एक ही दिन हुआ था उसे क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए। यह घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। इस प्रकार की अनहोनी घटना को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में जहरीले जीव जंतु व खाने पीने और रहने खाने की श्रमिकों के लिए उत्तम व्यवस्था की जाने की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए। नहीं, पहले से व्यवस्था तो है, पहले से व्यवस्था है। अच्छा, तो जनता झूठ बोल रही है, हो सकता है जनता झूठ बोल रहे हैं, आपसे ही बोल रहे हैं जी। ठीक, बरामदा में स्वच्छ है, सुबह 4 बजे पानी वानी गिर था, आखिर कर दिया। कितने समय की बात है? सुबह 4 बजे। क्या नाम है उसका? योगेश वर्मा। बताया ना मेरे को सोया था मैं, फिर बताया कि सांप है, तो मैं इसको पकड़ के आया, किधर है सांप, ऐसे भगने लगा था सांप, इधर मैं आके इसको मार रही था। पथरिया से नारायण बंजारे व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।